उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह रायबरेली जिले के विकास खंड छतों में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। रायबरेली से संवाददाता घनश्याम मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रायबरेली जिले के विकास खंड छतों पहुंचकर एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। आइए हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं, बने रहे इंडिया नाउ 24 के साथ। आपको बता दें कि जहां भाजपा सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राम भक्तों को भी याद दिलाया कि अयोध्या में भावी मंदिर आप सभी के सहयोग से बन रहा है। गौरतलब हो कि पिछली सरकार में हुए एक घोटाले की परत दर परत खोलकर रख दी। नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। जहां भी गए लोगों ने कहा कहां से हरिकेन भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जननी है। मुद्रा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, इंडिया घोटाला कांड, बोझ घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्र मंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए हैं भैया। ये आतंकवाद की जननी है और इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है। दोनों हाथ की मुस्का भाप करके जयकारा लगाना है। जोरदारी से बोलना, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बीजेपी। हर तरीके की सुविधा सरकार देना सुनिश्चित की है, इसलिए बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अरे बेटी बड़ी हो गई, शादी कैसे होगी बिटिया की, कौन करेगा शादी। बहुत गरीब घर ऐसे लोग हैं जिनकी बेटी की शादी में बहुत दिक्कत होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तो धूमधाम के साथ जहां शादी होती है वहां मुख्यमंत्री भी जाते हैं और ऐसे गरीब बहनों के बेटियों की शादी कराने का भी काम करते हैं। बेटी की शादी भी करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे भी। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हर गांव के उन किसान भाइयों के बेटियों की चिंता भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार और भारत सरकार कर रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आज पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नंबर एक का राज्य कौन सा है, तो लोग कहते हैं हमारा आपका उत्तर प्रदेश है। सभा के अंत में छतों ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विशाल सिंह आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया। आपको बता दें, लगभग 3 बजे छतों ब्लॉक पहुंचे कैबिनेट मंत्री का भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह, छतों के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विशाल सिंह, कमलेश चौधरी, अभय तिवारी सहित भाजपा के पदाधिकारियों, नेताओं, ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। पंचायत अध्यक्ष, हम सभी के प्रेरणा का स्रोत जनपद रायबरेली किसान, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, विशिष्ट अतिथि भाजपा महामंत्री श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव जी, भाई शरद जी, भाई सुधीर जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री कमलेश जी, भाजपा जिला मंत्री के राघवेंद्र पांडे जी, मंचाधीश में उपस्थित समस्त भाजपा के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री इंद्रेश द्विवेदी जी एवं समस्त सम्मानित भाजपा के कार्यकर्ता तथा सम्मेलन में आए हुए सभी देवतुल्य प्रधानगढ़, हमारे आदरणीय क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हमारा बहुत सम्मान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।